विमेन आर द रियल आर्किटेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि महिलाएं समाज की वास्तविक वास्तुकार होती हैं। एक गृहिणी, होममेकर, हाउसवाइफ की बराबरी दुनिया का कोई भी दूसरा प्रोफेशन नहीं कर सकता। नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। सबसे पहले आप सभी को रंगों का त्योहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही महिला दिवस के लिए भी सभी महिलाओं को अनेकों अनेक बधाइयां। तो आज की ये श्रृंखला महिलाओं द्वारा किए गए अवैतनिक श्रम या फिर कार्य को समर्पित है। मेरा ऐसा मानना है कि साल का एक दिन नहीं बल्कि हर दिन होना चाहिए नारी के नाम, क्योंकि उसके बिना संभव नहीं है घर का कोई भी काम। पर इन सब के बदले उसे मिलता है क्या? पर इन सब के बदले उसे मिलता है क्या? वेतन तनख्वाह तो बहुत दूर की बात है, क्या पुरुषों जैसा मिलता है सम्मान? क्या हो अगर नारी छोड़ दे करना घर के सारे काम? क्या हो अगर नारी छोड़ दे करना घर के सारे काम, ऑफिस में बैठ दिखाए अपनी शान? तो गौर फरमाइएगा जनाब, पल में ही दह जाएगी ये सृष्टि तमाम। चीन की एक अदालत ने हाल ही में तलाक से जुड़े एक मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने एक व्यक्ति को निर्देश दिया है कि वह 5 साल तक चली शादी के दौरान पत्नी द्वारा किए गए घरेलू काम के बदले में उसे मुआवजा दे। इस मामले में महिला को करीब 5.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि महिला घर के काम के बदले में मुआवजे के रूप में कुछ भी लेने की हकदार नहीं है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जब महिला अपने करियर से जुड़े अवसरों को त्याग कर हर रोज घंटों घरेलू काम करती है तो उन्हें मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए। चीन से लेकर भारत और पश्चिमी दुनिया के देशों में अदालतें बार बार महिलाओं द्वारा किए गए अवैतनिक श्रम यानी कि अनपेड लेबर को आर्थिक उत्पादन के रूप में स्थापित करने वाले फैसले देती रही है, लेकिन इसके बावजूद घर के काम को जीडीपी में योगदान के रूप में नहीं देखा जाता है। यही नहीं, समाज घर के काम को वह अहमियत नहीं देता है जितनी नौकरी या व्यवसाय में किए गए काम को देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर महिलाएं घर के काम छोड़कर नौकरी या फिर व्यवसाय शुरू कर दें तो क्या होगा? दुनिया की अधिकांश महिलाएं इस सवाल से जूझती हैं कि समाज एक गृहिणी के रूप में उनके द्वारा किए गए घर के काम को वो सम्मान क्यों नहीं देता जो पुरुषों द्वारा किए गए काम को दिया जाता है, जबकि एक गृहिणी के रूप में महिलाओं के काम के घंटे पुरुषों के किए गए काम के घंटों की तुलना में कहीं अधिक होते हैं। आज के बढ़ते युग में भी ऐसा माना जाता है कि घर का काम मतलब कोई काम ही नहीं, जबकि घर के काम आसान नहीं होते। घर पर अगर किसी को तय समय पर दवा देनी है तो वो देना ही है, खाना समय पे बनना है तो बनना ही है, इसमें किसी तरह की राहत नहीं मिलती। इन सब के बाद अगर किसी को शाम को भूख लग गई तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो बनाना ही होता है। सही कहूँ तो घर के काम करने वाली महिला को अलादीन का चिराग समझा जाता है। मेरे पास इससे सटीक मेटाफर नहीं है। अगर कभी सहयोग की मांग की भी जाए तो कुछ घरों में यहाँ तक कहा जाता है कि करती ही क्या हो, माँ भी करती थी, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा। ध्यान से देखें तो हर काम का कोई ना कोई मूल्य होता है, तो ये कैसे संभव है कि महिलाओं द्वारा घर पर रहकर किए गए काम की कोई आर्थिक मूल्य ना हो? किसी भी काम का मूल्य निकालने के लिए जरूरी है कि उस काम का ठीक ठाक आकलन किया जाए। महिलाओं के किए गए अवैतनिक घरेलू श्रम यानी घर के काम का मूल्य निकालने के लिए 3 फॉर्मूले उपलब्ध हैं: अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड और इनपुट आउटपुट कॉस्ट मेथड। पहले फॉर्मूले के मुताबिक अगर कोई महिला बाहर जाकर 50,000 रुपये कमा सकती है और इसके बावजूद वह घर के काम करती है तो उसके काम की कीमत 50,000 रुपये मानी जानी चाहिए। वहीं दूसरे फॉर्मूले के मुताबिक एक महिला की जगह पर कोई और काम करता है
तो जो खर्च उसकी सेवाएं लेने के बदले में होगा वही उस महिला के द्वारा किए गए काम का मूल्य होगा। इसी तरह तीसरे फॉर्मूले में एक महिला द्वारा घर पर किए गए काम की मार्केट वैल्यू निकाली जाती है। लेकिन विडंबना ये है कि इनमें से कोई भी फॉर्मूला महिलाओं द्वारा भावनात्मक रूप से दी गई सेवाओं का सही मूल्य निकालने में सक्षम नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि गृहिणी के रूप में काम के दौरान महिलाएं तीन वर्गों को अपनी सेवाएं देती हैं। पहला वर्ग वरिष्ठ नागरिक, जो देश के आर्थिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे चुके होते हैं। दूसरा युवा वर्ग, जो वर्तमान में GDP में योगदान दे रहे हैं। और तीसरा बच्चे, जो आने वाले सालों में अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देंगे। तकनीकी भाषा में इसे अब्स्ट्रैक्ट लेबर कहा जाता है। ये एक ऐसा श्रम है कि जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से लगे श्रम के पुनर्जीवन में सीधे सीधे अपना योगदान देता है। सरल शब्दों में कहें तो एक महिला अपने पति के कपड़े धोने, प्रेस करने से लेकर उसके खाने पीने, शारीरिक एवं मानसिक सेहत आदि का ख्याल रखती है ताकि ऑफिस जाकर काम कर सके। वह बच्चों को पढ़ाती है ताकि वो बाद में देश के मानव संसाधन का हिस्सा बन सके। वह अपने माता पिता और सास ससुर की सेहत का भी ध्यान रखती है, जो देश की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे चुके हैं। अब अगर इस पूरे समीकरण में से गृहिणी को निकाल दिया जाए तो सरकार को बच्चों का ध्यान रखने के लिए बाल कल्याण सेवा, वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखने के लिए वृद्ध आश्रम आदि पर बेतहाशा खर्च करना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर महिलाएं फ्री में सरकार के लिए काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? असंगठित क्षेत्र एवं श्रम से जुड़े विषयों पर अध्ययन करने वाले बड़े बड़े विद्वान और प्रोफेसर ये मानते हैं कि यदि महिलाएं घर के काम ही बंद कर दें तो ये सिस्टम पूरी तरह से ठप हो जाएगा। इनका ये भी मानना है कि घर की महिलाएं जो खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, बाजार से सामान लाती हैं, बच्चों की केयर करती हैं, घर में बीमार लोगों का ख्याल रखती हैं, ये सारी सेवाएं सीधे सीधे उत्पादन से जुड़ी हुई हैं। ये काम देश की आमदनी और देश को सेहतमंद रखने में योगदान देता है। अगर एक नर्स की सेवाएं ली जाए तो उसे राष्ट्रीय आय में गिना जाता है, लेकिन यही काम अगर एक गृहिणी करे तो उसे राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता है। ये गलत बात है, जबकि काम तो वही है। इसका कोई कारण ही नहीं है कि इन्हें राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाए। यही नहीं, वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती हैं, सरकारी क्षेत्र हो या फिर निजी। कोई भी क्षेत्र महिलाओं के इस अवैतनिक श्रम के बिना नहीं चल सकता। साल 1975 में आइसलैंड की 90% महिलाओं ने 24 अक्टूबर को एक दिन के लिए खाना बनाने, सफाई करने और बच्चों की देखभाल करने से इनकार कर दिया। महिलाओं के इस ऐलान का असर ये हुआ कि पूरा देश एकाएक रुक गया। काम पर गए पुरुषों को तत्काल घर वापसी करनी पड़ी और बच्चों को रेस्टोरेंट लेकर भागना पड़ा, और वे सभी काम रुक गए जो कि आम तौर पर पुरुष किया करते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वर्तमान समय में भी महिलाएं इस तरह का अवैतनिक श्रम करना बंद कर दें तो वही होगा जो 1975 में हुआ था? दरअसल विकास के मायने ये होते हैं कि सभी लोग अपने मन का काम कर सकें। जो महिला डॉक्टर बनना चाहती है वो डॉक्टर बने, जो महिला इंजीनियर बनना चाहे वह इंजीनियर बन सके। लेकिन पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं पर घर के काम थोप दिए हैं, इससे उनके पैरों में एक तरह की बेड़ियां पड़ गई हैं। उन पर ये दबाव है कि वे पहले घर के काम करें फिर कोई अन्य काम करें। अगर वे काम करना बंद कर दें तो सबसे पहले परिवार नामक संस्था खत्म हो जाएगी। औपचारिक व्यवसायिक तंत्र में महिलाओं के बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद घर संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। एक बार इंदिरा नुई ने बताया कि तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद घर चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। कंपनी में एक बार उन्हें प्रमोशन मिला, वे घर पहुंची तो दरवाजे पे उन्हें माँ मिली, जिन्होंने कहा कि जाओ जाकर दूध लेकर आओ, तुम्हारे पति और बच्चों को सुबह दूध की जरूरत होगी।
इंदिरा पहले दूध लेने गई, तो मतलब ये है कि जिम्मेदारी तो महिलाओं की ही होती है। ये बात कई महिला सीईओ ने भी कही है कि वे चाहे कितना तरक्की क्यों ना कर लें, उन्हें इन कामों से छुटकारा नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है। वैसे इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि कुछ महिलाएं इक्वालिटी के नाम पर अनड्यू एडवांटेज भी लेती हैं। वो चाहती हैं कि घर का सारा काम पुरुष ही करें, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझनी चाहिए, तभी जिंदगी की गाड़ी पटरी पे चल सकेगी। सुधार हम ही से होगा। हमें अपने बेटियों के साथ साथ बेटों को भी घर के कामों में शामिल करना चाहिए, उन्हें भी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहिए। संतुलन तभी आएगा जब हम ये स्वीकार करेंगे कि बेटा और बेटी दोनों ही घर के काम के लिए बराबरी के हिस्सेदार हैं। यही नहीं, घर के हर एक सदस्य, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष, दोनों को घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, तभी घर का संपूर्ण रूप से संचालन हो पाएगा। क्योंकि घर तो घर वालों से ही बनता है, तो घर के काम में हर एक सदस्य का योगदान अनिवार्य होता है, और ये परिवर्तन रातों रात होना मुश्किल है। तो इसके लिए पुरुष और महिला, यानी कि पति पत्नी दोनों को एकजुट होकर अपने बच्चों को उसी तरह की शिक्षा देनी है, ताकि वो बड़े होकर एक जिम्मेदार माता पिता बन सके और समाज और देश को एक नई दिशा दे सके। तो आज का ये एपिसोड मेरे नॉर्मल एपिसोड से थोड़ा सा अलग था, डिफरेंट था, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें पुरुषों के साथ बराबरी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम उनसे बिल्कुल अलग हैं, हम मल्टीटास्कर हैं, और हमें वो काबिलियत है कि अपने समाज में एक सुधार, एक बदलाव ला सकें सकारात्मक रूप से। तो अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।